मैं जाने का प्रयास कर। आइए ना, आइए, देखिए आइए आइए। नहीं नहीं, क्यों 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 बता रहा हूँ, मान जाइए। अब इसी मुकदमे में नाप दूंगा जिस मुकदमे में नोटिस तामिल करा रहा हूँ। इसी मुकदमे में नाप दिया तो बता रहा हूँ तुमको, दिमाग खराब हो गया है। इसी मुकदमे में नाप दिया तो बता रहा हूँ तुमको, दिमाग खराब हो गया है। भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, किसी मुकदमे में नहीं, मैं भी अपना काम करने आया था। बाहर चलिए, हमसे आराम मिलेगा भी नहीं, फिर हमारा कैमरा सब यही दुरुस्त हो जाएगा। जितने पत्रकार हो मैं सब मालूम है, जितने पत्रकारी कर रहे हो सब मालूम है। भैया कैमरे को हाथ लगाइए, आप रिकॉर्डिंग मत करिए, आपको समझ में नहीं आ रहा। बिना मतलब वाली बात मारने की बात, चलिए आप इधर उठा उठा फोन देना। मारिए 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 आप मारिए हमको, नहीं मारिए आपको, नहीं तो वो क्या कह रहे, चार लठ मारेंगे। यूपीएसआई की मैं यहाँ पे कवरेज करने आया था, आप साफ तौर पे पीछे देख पा रहे हैं, यूपीएसआई स्कैन 9534। नमस्कार, मैं हूँ संजय शर्मा, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। उत्तर प्रदेश के डीजीपी हैं DS चौहान, संवेदनशील व्यक्ति हैं, योग व्यक्ति हैं, बहुत पढ़ते लिखते हैं और तार्किक बात करते हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। हम लोग बौद्धिक विषयों पे घंटों घंटों हम लोग बात करते हैं और उन्होंने एक दो काम बड़े अच्छे किए थे। कुछ पुलिस वालों को नेताओं ने बेइज्जत किया था, वो वीडियो वायरल हुआ था उन्नाव का और शायद बुलंद शहर का, और DGP ने कड़ी कार्रवाई करी, उन नेताओं को जेल भेजा। उत्तर प्रदेश में होना भी चाहिए, DGP अगर ऐसा हो तो उसकी धमक दिखनी चाहिए। ऐसे लखनऊ के पुलिस कमिश्नर DK ठाकुर जी बहुत विनम्र हैं और बहुत अच्छे हैं, और मुझे लगता है कि कोई मामला उनके सामने आता है तो कार्रवाई जरूर करते हैं। अब आप सोचोगे मैं इन दोनों अफसरों की आज तारीफ क्यों कर रहा हूँ आपके सामने। एक मज़ेदार वाक्य हुआ, मैं आपको दिखाता हूँ सिस्टम में पत्रकार कैसे काम करते हैं। एक दरोगा भर्ती परीक्षा हुई थी, उसकी कितनी कहानियाँ आपके सामने आई हैं मुझे बताने में कोई संकोच नहीं है, उसकी धांधलियों की, उसके किस्से कहानियों की। तो इको गार्डन में नौजवान बैठे हुए थे, क्योंकि इतनी सारी भर्ती में घोटालों की बात सामने आ गई थी, तो कुछ नौजवान आजकल नौकरी के लिए परेशान रहते हैं और वो इको गार्डन में बैठे हुए थे धरने पर कि हमारी बात सुनी जाए, जाँच कराई जाए। जायज मांगे, अगर आपको लगता है नौकरियों में बेईमानी हुई है तो जाँच करनी भी चाहिए। पत्रकार ऐसे मौके पर कवरेज करने ना जाएँ तो ये पत्रकारिता के धर्म पर कलंक है। अब आजकल पत्रकार क्या करते हैं, आजकल पत्रकार करते हैं मस्जिद के नीचे निकल आया त्रिशूल, त्रिशूल ने कर दी क्रांति, त्रिशूल कराएगा प्रलय, त्रिशूल ने बता दिया टाइप की। अंबानी के चैनल दिन भर इसी बात की प्रचार करते रहते हैं, जिससे आप थोड़े तनाव में रहें, थोड़े धर्म के झंझट में रहें। तो इन जो धूप में बारिश में जो इस तरह अपनी नौकरियों की मांग को लेकर, बेरोजगारी की मांग को लेकर धरना कवर करते हैं, तो ये जो स्टार फाइव स्टार कल्चर वाले पत्रकार होते हैं जाते नहीं है, मालिक मना कर देता है क्योंकि सरकार से करोड़ों का विज्ञापन मिलता है तो कहता है वहाँ जाना नहीं है। लेकिन जो जेन्युइन पत्रकारिता करते हैं वो लोग जाते हैं, बात करते हैं, परेशानी समझने की कोशिश करते हैं। हमारा रिपोर्टर है क्षितिज कांत, आप देख रहे होंगे पिछले दिन उसने गायक की लाशों की एक्सक्लूसिव स्टोरी करी थी, बहुत जोखिम में डाल के दी थी। तो आज जब उसको पता चला कि इको गार्डन में धरना हो रहा है, नौजवान बैठे हैं, तो इको गार्डन गया और दरोगा जी थे, बहुत मोटे पेट वाले अंकल जी टाइप के दरोगा जी थे, तोंद समझ नहीं रही, संभल नहीं पा रही थी, पैंट नीचे जा रही थी। कमिश्नर ने कई बार कहा ये मोटे तोंद वाले जो दरोगा हैं इनका अपना पेट कम करें, होना भी चाहिए भैया। आप यूनिफॉर्म जब पहनते हो तोंद नज़र आती है तो ख़राब लगता है, और मुझे लगता है कमिश्नर साहब आजकल ज़्यादा व्यस्त हो गए हैं इसलिए इन तोंद वाले दरोगाओं को देख नहीं पा रहे हैं, जिनकी तोंद उनकी लंबाई से आगे निकल के बता रही कि आजकल वो कितना खाते पीते हैं। फिलहाल दरोगा जी देख के गुस्से में आ गए पत्रकार के, और फिर जो उन्होंने जो गालियाँ देना शुरू करी हैं, एक नौजवान दरोगा सुना है कि वो अभी 2 साल पहले भर्ती हुआ, वो आता है और रिपोर्टर से कहता है कि इसी मुकदमे में नाप दूंगा ना तो जिंदगी भर जेल में सड़ जाओगे। मतलब एक नया IPC आया, एक पत्रकार कवर करने जा रहा है तो उससे कह रहे हैं ये जो धरना चल रहा है इसी मुकदमे में तुमको भी नाप दूंगा। सनी देओल की पिक्चर आई थी, उसमें एक व्यक्ति ने पूछ लिया था सनी देओल से कि आप मुझसे किस धारा में मैं कोई अपराध कर रहा हूँ। सनी देओल पकड़ते हैं और कहते हैं IPC में इतनी धाराएं, बता कौन सी धारा लगा दूँ। तो आजकल दरोगा जी जो हैं वो ये कहते हैं इस मुकदमे में नाप दूंगा, उस मुकदमे में नाप दूंगा, मतलब उनकी जेब में रहती है धारा, जब वो चाहेंगे लगा देंगे। खैर क्षितिज बहुत अच्छा, बहुत पढ़ा लिखा रिपोर्टर है, उसने कहा ये मेरा हक है, अगर मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ आप किस तहत मुझसे बदतमीजी कर रहे हैं। अब मैं ज़्यादा ना कह के मैं पूरे वीडियो देखूंगा, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा
इस वीडियो को जरूर देखिए। ये सिस्टम के मुंह पे तमाचा है। एक पत्रकार बेरोजगार नौजवानों की धरने की रिपोर्ट करने जाता है, पुलिस किस तरह बदसलूकी करती है, किस तरह अपमानित करती है, गाली दे रही है, हरामखोर। मतलब आप सोचो, ऑन कैमरा दरोगा एक पत्रकार को कह रहा है हरामखोर, एक कैमरा वैमरा सब ठीक कर दूंगा। इस तरह की गालियां योगी राज में और डीएस चौहान के डीजीपी होते हुए और डीके ठाकुर के पुलिस कमिश्नर होते हुए लखनऊ दे रही है, लखनऊ की पुलिस दे रही है। तो सशक्त नमन ऐसे पुलिस को। और मुझे लगता है यूपी पुलिस की यही तस्वीर है शायद, जो लज्जित भी करती है, शर्मिंदा करती है। मैं इंतज़ार करूँगा कि आखिर कब ये दोनों अफसर इस वीडियो को देख के पुलिस वालों को चिन्हित करके उन्हें नैतिकता का पाठ पढ़ाएंगे और कहेंगे बेटा हरामखोर नहीं कहा जाता पत्रकारों को, और कम से कम उन दरोगा जी की तोंद को कम करने का कुछ इलाज करेंगे। मैं उन दरोगा जी के लिए भले कह रहा हूँ, अगर कमिश्नर साहब थोड़ा दौड़ाए वाड़ने का, आजकल पेनल्टी में क्या होता है कि आप पुलिस लाइन में चार चक्कर लगाओगे दौड़ोगे, तो अगर कमिश्नर साहब उनको पुलिस लाइन में चार पाँच चक्कर दौड़वाएंगे तो उनका थोड़ा ब्लड प्रेशर भी ठीक रहेगा, पेट भी कम होगा, पत्रकारों को वो हरामखोर कहेंगे नहीं। जरूर देखिएगा वीडियो, ट्वीट करिएगा, जिससे सबक मिले पुलिसकर्मियों को और समझ में आए कि उत्तर प्रदेश की पुलिस का ये चेहरा बर्दाश्त नहीं है। और दूसरी बात, ये 4 PM के पत्रकार हैं साहब, लाठियों से, गन बंदूकों से, गोलियों से इनसे डरते नहीं है। मैं उदाहरण हूँ, जितनी लाठियाँ हों, जितनी गोलियाँ हों, जितनी गालियाँ हों, सबका इस्तेमाल कर लीजिए। 4 PM का नारा है जिद सच की, तो जिस तरह मैं लड़ता हूँ तो मेरी टीम भी सच की जिद के लिए उतना ही लड़ेगी। कोई लाठी कोई गोली डिगा नहीं सकती। क्षितिज का ये वीडियो देखिए और समझिए कैसा खून का जज्बा है मेरे और मेरी टीम के अंदर, और आपकी औकात नहीं है इस जज्बे को कम करने की। देखिए वीडियो, इतना एग्रेशन ये सही नहीं है। अगर आप पत्रकारों आप ये देख रहे हैं, मैं इस समय राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में हूँ, साफ तौर पे यहाँ पे देख रहे हैं पुलिस को पत्रकारों से किस तरीके का थ्रेट है, आप साफ तौर पे देख पा रहे हैं। यहाँ पे UPSI के मैं यहाँ पे कवरेज करने आया था, आप साफ तौर पे पीछे देख पा रहे हैं UPSI स्कैम 9534, ये यहाँ पर लगातार धरना चल रहा है राजधानी लखनऊ में। यहाँ पे कवरेज करने आया तो यहाँ पे पुलिस, यहाँ पर प्रशासन, यहाँ पे टाइट थी। मैंने कोशिश की बात करने की तो साफ तौर से इन लोगों ने हमें रोकने की कोशिश की। आप लोग साफ तौर पे कैमरे पे देख पा रहे होंगे किस तरीके से हमें यहाँ पर रोका जा रहा है, और दूसरी चीज किस तरीके से धक्का देने का प्रयास किया गया। जब मैंने बात करने का कोशिश की इन लोगों से कि क्यों पत्रकारों को रोका जा रहा है, क्योंकि मुझे सबसे पहले इन्होंने बोला कि 100 मीटर दूरी यहाँ से करें, मैं जाने का प्रयास कर। देखिए, नहीं नहीं, क्यों क्यों मान जाइए, अब इसी मुकदमे में नाप दूंगा जिस मुकदमे में नोटिस मिल रहा हूँ, इसी मुकदमे में नाप दिया तो बता रहा हूँ तुमको, दिमाग खराब हो गया है। अरे यहाँ से आप लोग, भाई साहब किसी मुकदमे में नहीं, मैं भी अपना काम करने आया था। बड़े भैया आपको हाथ जोड़ के नमन, भैया गलती हो गई, भैया बड़े भैया अरे बड़े भैया आपको नमन, आपको प्रणाम। आज मैं कह रहा हूँ आप चलिए उधर ना, तो आप चलिए ना उधर, आप चलिए उधर। जब मैं बोल रहा हूँ कि आप चलिए तो क्यों नहीं चल रहे हो, चलिए फिर आप खड़े हो, आप चलिए उधर, आप चलिए 100 मीटर बाहर, चलिए उधर साइड में हो जाइए, चलिए 100 मीटर में दूर पे रहिए, 100 मीटर दूरी पे रहिएगा, इधर अंदर मत आइएगा। नहीं 100 मीटर के अंदर अगर आएंगे तो हमसे हरामखोर मिलेगा भी नहीं, फिर हमारा कैमरा सब यही दुरुस्त हो जाएगा। आप 100 मीटर दूरी चलिए, मैं मानता प्राप्त हो तो ले आओ रजिस्टर में, पैसा सामने धरो, अब बाहर चलिए 100 मीटर से बंद है। भैया ये जानना चाहता था, पत्रकारों क्यों बैन है यहाँ पे? बैन नहीं, आप जो मैं बता रहा हूँ और बैन ले, कोई तो बड़ा अधिकारी है, पूछे उनसे, मैं जितने बता रहा हूँ 100 मीटर आप दूरी चलिए। हम लोग पत्रकार नीचे कर रहे हैं, जो बता रहा हूँ नीचे, कैमरे को हाथ नहीं लगा सकते आप, कैमरे को हाथ नहीं लगा सकते आप, अपना काम करिए, अपना काम करिए, कैमरे को हाथ क्यों लगा रहे हैं आप? जब आप वो बता रहा हूँ कि आप चलिए 100 मीटर बाहर, चलो आप बाहर चलिए, डंडा क्यों उठा रहे हैं? डंडा इसलिए बता रहा हूँ जो आपसे कह रहा हूँ, आप बाहर चलिए, मैं पूछ रहा हूँ ना, जब मैं आपसे कह रहा हूँ 100 मीटर बाहर चलिए, क्यों नहीं चल रहा है? भैया से बात करने दीजिए, आप बाहर चलिए, आप बाहर चलिए, यहाँ से जितने पत्रकार हो मैं सब मालूम है, जितने पत्रकारी कर रहे हो सब मालूम है। आप लोग बंद है, बंद सर, बंद है, रुकिए, हमें कैमरा पकड़ना है, क्यों रोक रहे हैं हम लोग सर, खड़े हैं, कुछ बोल रहे हैं, क्यों रोक रहे हैं? अभी बात कर लीजिए, अपना काम करिए, हमें हमारा
आप ही हमत करिए ना, अभी हम अपना काम कर रहे हैं, अभी हम नहीं अभी खड़े होने भैया कैमरे को हाथ मत लगाइए, आप कैमरे को मत हाथ लगाइए भैया, आप रिकॉर्डिंग मत करिए, आपको समझ में नहीं आ रहा, आप कैमरे को रिकॉर्डिंग मत करिए, यहाँ मना है, यहाँ ये सब चीजें मना है, अभी ठीक जाया जा रहा है, ठीक है हमको भी कैमरे के बारे में जहाँ एक घंटा दो घंटे पहली बात है, आप लोग कर रहे हैं अपना काम करिए ना, खड़े हैं खाली ना, नहीं तो ऐसा ऐसे काम करा, ठीक है आप बैठ जाओ, अभी आप लोग बैठ जाइए, अभी हम अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, चलो आप लोग आपसे बता रहे हैं, नहीं नहीं वही चीज़ ये बताइए कोई सिक्योरिटी थ्रेट है क्या आप लोग को पत्रकारों से? नहीं नहीं ठीक है सर, नहीं सर की बात मैं मानता हूँ, ढकेलना पत्रकारों की ये संविधान ने नहीं सिखाया, नहीं जब सर का आप इस तरीके से मेरा बात करते हैं साफ बात, सब खड़े होकर के आप जो पत्रकारों से कैसे बात कर रहे हैं, पत्रकार को हटाओगे, बता रहा हूँ आपको की रुक जाए, मेरे साथ कुछ हो जाएगा तब आप जानते हैं आप कार्रवाई करेंगे, किस तरीके से बात कर रहे हैं उनसे पहले बोलिए, क्या हो जाएगा पहले उनसे बोलिए, चार लट मारने की बात कर रहे हैं, बिना मतलब वाली बात, चार लट मारने की बात कर रहे हैं, चलिए आप इधर से, आपके सामने लोग चार लट मारने की बात कर रही है, आप लोग मान भी तो नहीं बात कर रहे हैं, उठा उठाने दो, फोन देना, मारिए मारिए मारिए, आइए मारिए, मारिए लाइव करो, कनेक्ट है ना ऑफिस, हाँ ठीक है लाइव करो, आप मारिए, हम बैठ गए मारिए, हम यहीं बैठे हैं, मारिए आप मारिए हमको, नहीं मारिए आप, मारिए आपको जो सुनी क्या, नहीं तो वो क्या कह रहे हैं चार लट मारेंगे, इसमें एग्रेशन ये सही नहीं है, अगर अगर आप पत्रकारों से बातें कर रहे हैं, आप ये देख रहे हैं, मैं इस समय राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में हूँ, साफ तौर पे यहाँ पे देख रहे हैं पुलिस को पत्रकारों से किस तरीके का थ्रेट है, आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं, यहाँ पे UPSI की मैं यहाँ पे कवरेज करने आया था, आप साफ तौर पर पीछे देख पा रहे हैं UPSI स्कैम 9534, ये यहाँ पर लगातार धरना चल रहा है राजधानी लखनऊ में, यहाँ पे कवरेज करने आया तो यहाँ पे पुलिस यहाँ पर प्रशासन यहाँ पर टाइट थी, मैंने कोशिश की बात करने की तो साफ तौर से इन लोगों ने हमें रोकने की कोशिश की, आप लोग साफ तौर पर कैमरे पर देख पा रहे होंगे किस तरीके से हमें यहाँ पर रोका जा रहा है, और दूसरी चीज किस तरीके से धक्का देने का प्रयास किया गया, जब मैंने बात करने का कोशिश की इन लोगों से कि क्यों पत्रकारों को रोका जा रहा है, क्योंकि मुझे सबसे पहले इन्होंने बोला है कि 100 मीटर दूरी यहां से करें, मैं जाने का प्रयास कर, देखिए आइए आइए, नहीं नहीं क्यों क्यों क्यों, मान जाइए अब इसी मुकदमे में नाप दूंगा, जिस मुकदमे में नोटिस शामिल करा रहा हूँ, इसी मुकदमे में नाप दिया तो बता रहा हूँ तुमको, मैं खड़ा हो गया है, अरे यहाँ से आप लोग भाई साहब किसी मुकदमे में नहीं, मैं भी अपना काम करने आया था, बड़े भैया आपको हाथ जोड़ के नमन, भैया गलती हो गई, भैया बड़े भैया अरे बड़े भैया आपको नमन, आपको प्रणाम,